देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू भारत एट नाइन। दर्शकों, इस वक्त उत्तर प्रदेश में 118,000 होमगार्ड है और 118,000 होमगार्डों को उनकी औकात बता दी है अब बीजेपी के एक नेता ने 118,000 होमगार्डों को उनकी औकात तब बताई है जब इतने ही वोट पाने का वो सपना देखते हैं। तब उन्होंने बताया है, जनता को संबोधित करते हुए सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर उस नेता को नहीं चुना गया, अगर इन नेता को नहीं चुना गया तो औकात होमगार्डों की जैसी हो जाएगी। अब वो कौन सी औकात की बात कर रहे हैं, उस औकात का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि क्या वो जानते हैं, क्या बीजेपी के नेताजी जानते हैं कि होमगार्डों की स्थिति कितनी दयनीय है। और अगर वो जानते हैं और वो जनता को अगर सीधे तौर पर बता रहे हैं कि अगर उनको वोट नहीं किया तो स्थिति होमगार्डों जैसी हो जाएगी, औकात होमगार्ड जैसी रह जाएगी, हैसियत होमगार्ड जैसी हो जाएगी, तो इस तरीके से अपमानित करने वाले नेता का जमीन पर क्या काम है, इस तरीके से अपमानित करने वाले नेता का खुलेआम घूमने का क्या काम है, इस तरीके से होमगार्डों को अपमानित करने वाले नेता को क्यों नहीं जेल में डालना चाहिए, क्यों नहीं इस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर एक वर्ग विशेष के लोगों को, एक सीधे स्पेसिफिक पेशे के लोगों को इस तरीके से गाली देना, इस तरीके से उनकी औकात दिखाना, इस तरीके से हैसियत की बात करना, ये बीजेपी नेता दे रहे हैं। और बीजेपी नेता स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि अगर उनको वोट नहीं दिया तो ये औकात हो जाए, अगर उनको वोट नहीं दिया तो ये हैसियत हो जाएगी। ये बीजेपी नेता के शब्द हैं सीधे तौर पर, मैं आपको जो बता रहा हूं आज ये बीजेपी नेता के शब्द हैं। बीजेपी नेता जो है वो संभल से है, नाम है राजेश सिंघल। राजेश सिंघल इस वक्त बीजेपी के प्रत्याशी हैं संभल से और जनता को संबोधित कर रहे थे, अपने लोगों को संबोधित कर रहे थे, अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे और कह दिया कि अगर वोट राजेश सिंघल के नाम का ना पड़ा तो औकात होमगार्ड जैसी हो जाएगी। होमगार्ड जैसी औकात को लेकर आज भारत एट नाइन में हम सवाल पूछ रहे हैं, राजेश सिंघल से सीधे सवाल पूछ रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि भाई एक बात बताइए, क्या देश में होमगार्ड जवानों की पीड़ा कभी सुनी भी जाएगी कि नहीं, या पूरी उत्तर प्रदेश सरकार जवाब देगी, क्योंकि उनके नेता ने जो बात कही है उससे यह मुद्दा एक बार फिर ज्वलंत मुद्दा बन गया है। तो ऐसे में पूरा भारत आज सवाल कर रहा है कि देश में होमगार्ड जवानों की पीड़ा कब सुनी जाएगी, कब सुनी जाएगी, और पूरा भारत पूछ रहा है आज उत्तर प्रदेश सरकार से कि कब तक शोषण और अत्याचार होता रहेगा, कब तक शोषण और अत्याचार होगा और कब मिलेगा होमगार्ड को खाकी का सम्मान, कब मिलेगा। औकात तो आपने बता दी, हैसियत तो आपने बता दी, लेकिन यह भी बता दीजिए कि खाकी का सम्मान कब मिलेगा, कब तक ये गूंगी बहरी सरकार इस बात को नहीं सुनेगी, कब तक सरकारें गूंगी बहरी बनने का ढोंग करती रहेंगी और होमगार्डों के साथ इसी तरीके का अपमान अत्याचार होता रहेगा। और आज उनका नेता खुलकर बता रहा है, खुलकर, कि हैसियत क्या हो जाएगी, औकात क्या हो जाएगी, होमगार्डों जैसी औकात हो जाएगी। क्या नेता अब होमगार्डों की औकात बताएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या नेता अब होमगार्डों की औकात बताएंगे, क्या नेता पेशों की औकात बताएंगे, क्या आजाद भारत में होमगार्ड जो आज भी गुलाम है ये कब तक गुलाम बना रहेगा, ये सवाल है जो सीधे तौर पर सरकार से है। और ऐसे में आज हम पूरी कोशिश करेंगे और सीधे तौर पर जोड़ेंगे राजेश सिंघल को, जिस राजेश सिंघल ने उत्तर प्रदेश के 118,000 होमगार्डों का अपमान करने का काम किया है, सीधे तौर पर 118,000 होमगार्डों को उनकी औकात, उनकी हैसियत बताने का काम किया है। ये बीजेपी के प्रत्याशी है राजेश सिंघल, इनको जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप उन्होंने क्या कुछ कहा है उस वीडियो को देखिए। योगी जी बढ़ रही है, जब योगी जी की सरकार बन रही है तो संभल के अंदर एमएलए किसका होना चाहिए, समाजवादी पार्टी का, बसपा का या भाजपा का? यदि भाजपा का एमएलए होगा तो विकास की गंगा बहाई जाएगी, और यदि धोखे से आपने गलती कर दी, यदि धोखे से आपने गलती कर दी और आपने मुझे नहीं चुना, किसी दूसरे को चुन लिया, तो वह होमगार्ड वाली स्थिति हो जाएगी, उसकी होमगार्ड, उसकी कोई औकात नहीं रहेगी, सरकार हमारी होगी, उसकी कोई औकात नहीं। इसलिए तो ये वीडियो देख लिया आपने, ऐसा नहीं है कि ये राजेश सिंघल का कोई पहला वीडियो। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजेश सिंघल, जो कि आजकल मैं देख रहा हूं कि नेता जो है हाथ जोड़ रहे हैं, नेता जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, लेकिन राजेश सिंघल साहब जो है दबंग छवि के नेता है, ये हाथ वाथ नहीं जोड़ रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं, सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं कि वोट दीजिए वरना औकात होमगार्डों जैसे, मतलब समझ किस तरफ राजनीति जा रही है। सीधे तौर पर बता रहे हैं कि औकात होमगार्डों जैसी हो जाएगी। और एक और बात बताता हूं आपको, इन्होंने 2019 में
2019 के लोकसभा चुनावों के वक्त इन्होंने मुस्लिमों को अल्लाह की कसम दिलवाई थी कि अल्लाह की कसम खाइए कि वोट देंगे तो हमें ही देंगे, अल्लाह की कसम खाइए। तो अब इलेक्शंस में ये भी हो रहा है और ये नेता कर रहा है। राजेंद्र सिंगल धनुगाही करते हैं, गोकशी करवाते हैं, ऐसे पोस्टर लगे थे 2016 में ऐसे पोस्टर लगे थे बकायदा संभल में कि ये जो राजेंद्र सिंगल हैं, ये जो बीजेपी के नेता साहब हैं, ये गोकशी करवाते हैं, धनुगाही करते हैं, ये सीधे तौर पर ये पोस्टर्स लगे कि राजेश सिंगल धनुगाही करने का काम करते हैं, राजेश सिंगल गोकशी करवाने का काम करते हैं, ये पोस्टर्स लगे थे और किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के समर्थकों ने ही ये पोस्टर लगवाए थे। इनका भारी विरोध था, भारी विरोध, जिसके बाद 2019 में इन्हें जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, जिला अध्यक्ष पद से इनको हटाया गया, हटा दिया गया क्योंकि बीजेपी के लोग इनका भारी विरोध करने लगे। और नेताजी की जो कार्यशैली है वो काफी पुरानी है। 2019 का एक वाक्य आपको बताता हूं कि शफीकुर रहमान जो हैं, शफीकुर रहमान साहब, उनको इन्होंने कहा था कि शफीकुर रहमान जो है वो तो दरअसल बकरा है और चुनाव के बाद, चुनाव के दरमियान बकरे को काटने का काम है। ये शब्द थे कि शफीकुर रहमान एक बकरा है और शफीकुर रहमान को काटने का काम करते, मतलब बकरे को काटने का काम करते, जैसे त्यौहार पर, मुसलमानों के त्यौहारों पर बकरे को काटने की प्रक्रिया है, वैसे ही कहा गया था कि शफीकुर रहमान को काटने का काम करेगा। तो ये इन्होंने कहा था, राजेश सिंगल नाम है, बीजेपी से संभल में है और इस बार चुनावी मैदान में कदमताल कर रहे हैं। कदमताल करते करते हाथ जोड़कर वोट मांगने की परंपरा जो दरअसल चुनावी माहौल में हमको देखने को मिलती है, लेकिन राजेश सिंगल ऐसे नहीं है। राजेश सिंगल धमकी देकर वोट मांगने की परंपरा पर शायद ज्यादा यकीन रखते हैं, हालांकि वो यकीन रखते हैं कि नहीं रखते हैं उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि राजेश सिंगल हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि राजेश सिंगल के भाई जो हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे भाई इसका जवाब देंगे, आपके सवालों का जवाब जो है उनके भाई देंगे। उनके भाई का नाम है कपिल सिंगल, हमको बताया गया है। तो उनके भाई, राजेश सिंगल के भाई कपिल सिंगल हमारे साथ आज स्क्रीन पर होंगे। कपिल सिंगल को स्क्रीन पर लीजिएगा, उनसे सवाल जवाब शुरू करते हैं। कपिल सिंगल साहब, सर चुनाव कैसा चल रहा है, चुनाव कैसा चल रहा है सर? चुनाव बढ़िया चल रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है चुनाव, हमें सभी जाति धर्म के वोट मिल रहा है। ठीक है, सभी जाति धर्म से वोट मिला, लेकिन दरअसल सर आपका कुछ वीडियो देखिए, बहुत खुलकर बात करेंगे आज कपिल जी, आपके भाई हैं राजेश जी, उनका एक वीडियो भी कल सामने आया है। तो लोग ये बोल रहे हैं कि आप जैसे अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं कि हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं लोग, लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको वोट दीजिएगा, लोग अपने काम गिनवा रहे हैं कि हमको वोट दीजिएगा, लेकिन हमको तो ऐसा लग रहा है कि आप धमकी देकर वोट ले रहे हैं। हमने कोई धमकी दी किसी भी कार्यकर्ता को? ना ही कोई धमकी दी है। आपने आपके ये जिसके भी चैनल के माध्यम से वो दिखाया गया, तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, हमने किसी भी कार्यकर्ता को, हम हाथ जोड़कर सबसे निवेदन करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वोट मांगा है। ठीक है, नहीं एक वीडियो हमने देखा है जिसमें कहा जा रहा है कि होमगार्डों की जैसी हालत हो जाएगी, तो होमगार्डों की जैसी औकात हो जाएगी। समाजवादी वाले गुंडे हैं उनके लिए बोला गया है, ना कि किसी कार्यकर्ता, ना कि किसी वोटर के लिए बोला गया। नहीं, होमगार्ड तो एक बकायदा एक पेशा है, तो होमगार्ड जैसी हालत हो जाएगी, होमगार्ड जैसी औकात हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं बोला गया है। जो समाजवादी प्ले कर दो, वीडियो प्ले कर दूंगा सर, यही बोला गया, यही वर्डिंग्स है कपिल जी कि होमगार्डों की जैसी हालत, दोबारा सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, होमगार्ड जैसी हालत हो जाएगी, होमगार्ड जैसी औकात हो जाएगी, तो इस पर थोड़ा स्पष्टीकरण कर दीजिए, क्योंकि काफी होमगार्ड जो है वो सवाल उठा रहे हैं बार बार, वो कह रहे हैं कि हमारी हालत, हमारी औकात, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमारा एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से जो है काम कर रहा है और भारतीय जनता पक्ष के, पार्टी के पक्ष में जन कल्याणकारी की योजनाएं जितनी भी हुई है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला, उसी लाभ के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी को संभल से भारी तादाद में वोट मिला है और संभल से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी संभल से विजयी होगा। जी ठीक है, कपिल जी ये बताइए कि अगर आप विजयी हो जाते हैं तो ये बात स्पष्ट है ना कि होमगार्डों जैसी हालत नहीं होगी? नहीं नहीं, कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, एक एक कार्यकर्ता का मान सम्मान होगा और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से भारतीय जनता पार्टी की सन 2014 में केंद्र में और 2017 से यूपी में सरकार चल रही है। ठीक है, होमगार्ड वाली बात पर माफी मांगेंगे आप? नहीं, होमगार्ड नहीं, होमगार्ड वाली बात पर आपको मेरा आवाज मिल रही होगी, आप ये बताइए होमगार्ड वाली बात पर माफी मांगेंगे आप? क्योंकि होमगार्ड काफी नाराज हो गए, वो कह रहे हैं कि आप औकात, हैसियत जैसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं।
आप अंशुल जी म्यूट को हटा दीजिए, आपने म्यूट कर दिया उसको। कपिल जी आप म्यूट को हटा दीजिए। हाँ मैं ये कह रहा हूं कि होमगार्ड वाली बात पर माफी मांगेंगे आप? आप की आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही होगी आपको, ये बताइए होमगार्ड वाली बात पर माफी मांगेंगे आप? देखिए ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल फ्रेम से मत हटाइएगा, फ्रेम से मत हटाइएगा, फ्रेम मरी रखिएगा। तो पहले म्यूट कर लिया गया था, अब मैं पूछ रहा हूं तो जवाब नहीं आ रहा है। तो कपिल सिंगल साहब तो सबसे पहले तो म्यूट कर गए, फिर बोले कि आवाज नहीं आ रही है, फिर कई अलग अलग तरह के पैतरे दिखाए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर वो गए क्यों। तो ये समस्या होती है कि जब नेताओं को लगता है कि वी आर हेयर टू एंटरटेन देम, लेकिन जब उनसे सवाल पूछ ले जाते हैं, सवाल इसलिए पूछे जाते हैं कि आज जब होमगार्ड, जब देश के होमगार्ड ये पूछ रहे हैं कि एक विधायकी का प्रत्याशी आज ये कहता है भरे मंच से कि वो होमगार्डो जैसी औकात, होमगार्डो जैसी हैसियत नहीं होने देंगे अगर वो उनको वोट देंगे, तो धमकी देते हैं, होमगार्डो की हैसियत औकात की बात करते हैं, और जब इनसे पूछे जाते हैं सवाल तो ये जवाब होते हैं। जवाब क्या होता है? सबसे पहले म्यूट, देन जस्ट गो अवे। यूं गायब हो गए तो हमारा उन्होंने फोन काट दिया है, उनको एक बार फिर कॉल करने की कोशिश करेंगे। ये फोन है, इससे हम कॉल कर रहे हैं उनको। ये देखिए आपके सामने कॉल कर रहे हैं उनको, इस फोन को क्लोज करेगा तो देखिए फोन काट दिया कपिल साहब और फोन काट कर चले। तो ये समस्या है कि जब सवाल करेंगे तो फोन काट के ये भाग जाएंगे, जबकि मैंने इनसे साफ कहा था कि आप आज यहां से माफी मांग सकते हैं, लेकिन फोन काट के वो भाग गए। तो हमारे प्रोग्राम के बीच से वो इस तरह से आज चले गए। तो फिलहाल के लिए ये अपडेट है। बाकी संभल में जो कुछ भी कहा गया है उनके बारे में थोड़ा और बता देता हूं। राजेश सिंघल साहब जो हैं उन पर 2016 में धन उगाही का आरोप लगाया था उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, साथ ही साथ आरोप लगाए थे कि गोकशी करवाते हैं, ये भी आरोप लगाए थे। और ये मेरे सवाल थे जो आज मैं पूछने वाला था कि पोस्टर लगाए गए थे इसके कि धन उगाही करते हैं, गोकशी करते हैं, वो इस पर क्या जवाब देते? वो जिलाध्यक्ष पद से उनको हटाया गया था 2019 में। 2019 में उन्होंने शफीकुर रहमान के बारे में कहा था कि शफीकुर रहमान दरअसल बकरा है और चुनावों में इस बकरे को काटना, ये उनके बयान है। और आज वो बीजेपी से प्रत्याशी हैं संभल से। तो ऐसे से प्रत्याशी हैं जिनसे जब सवाल किए जाते हैं, जिनसे जब कहा जाता है कि आप माफी मांग लीजिए, तो इस तरह से पहले तो पैतरे अपनाते हैं, टैक्टिक्स खेलते हैं, दे जस्ट म्यूट, फिर भाग जा, और अब हमारा फोन नहीं उठा रहे। खैर जो हमको बताना था, दिखाना था, वो हमने दिखा दिया। फिलहाल इतना ही। देखिए भारत एट 9 कावेंद्र चौहान के साथ।